ऊपर खींचे ना, ऊपर खींचे, ऊपर खींचे, जब तक सांस है, जब तक शरीर में है। बढ़ाई बढ़ाई, बंद किए दरवाजा, बंद किए दरवाजा, बंद किए दरवाजा, बंद किए। इसके लिए लड़ेंगे हमारे हाथ अंदर। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हम डाक बंगला चौराहे पर। देखिए, पप्पू यादव के पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से डाक बंगले चौराहे पर पप्पू यादव के जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेमचंद को गिरफ्तार किया गया है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कि लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये लोग प्रदर्शन पर बैठे थे, सुबह से लगातार ये लोग यहाँ बैठे थे। उसके बाद प्रशासन ने इन्हें हिरासत में लिया, उसके बाद गिरफ्तार करके इनको जो है थाने भेजे गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से डाक बंगले चौराहे पर उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि आज NTPC के छात्रों के द्वारा जिस तरीके से 24 जनवरी को प्रदर्शन किया गया और उसके बाद फिर उसके कल होकर पूरे बिहार में 25 तारीख को प्रदर्शन हुआ, उसके बाद की जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है वो आप लोगों ने देखी है। लेकिन आज 28 जनवरी है, 28 जनवरी को बिहार बंद है। लेकिन उसके बाद आज बिहार बंद की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन किया, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष में बैठे बिहार की पार्टी हम या JDU, वो तमाम लोगों ने भी इस बात का छात्रों को समर्थन दिया। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आज तमाम प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम छात्र हों या नेता हों, लगातार सड़कों पर बैठे हैं। और उसके बाद आज जब जाप सुप्रीमो पप्पू पहुँचे और उसके बाद पप्पू यादव पहुँचे, उसके बाद जो तमाम उनके कार्यकर्ता थे लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें थाने ले जाया गया। तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन लगातार समझा रही थी, उसके बाद नहीं मानने पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से लगातार डाक बंगले चौराहे का जो माहौल है वो लगातार जो धरने में तब्दील है। ये तस्वीरें दिखाती है कि देख सकते हैं कि जो तमाम तस्वीर बताया है, बताया जाएगा कि किस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और अब प्रशासन हरकत में आ गई है, लगातार प्रशासन समझा रही है कि अब रास्ते को खाली करें। डाक बंगला चौराहा राजधानी पटना का सबसे प्रमुख चौराहों में से एक है, जहां पर काफ़ी गाड़ियां को जो आने जाने का रास्ता है, और वहां तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऊपर खींचे, ऊपर खींचे, जब तक सांस है, जब तक शरीर में है। बढ़ाई बढ़ाई, बंद किए दरवाजा, बंद किए दरवाजा, बंद किए दरवाजा, बंद किए। इसके लिए लड़ेंगे हमारे हाथ अंदर रात। अंदर हाथ के लिए, अंदर अंदर हाथ के लिए, अंदर के दाग में हाथ लगाएं कि ये तस्वीरें हैं जहां के नेता को यहां पर मिली मौजूद है।